के अंदर खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी को बधाई भी देना चाहूंगा कि बहुत सालों से इसकी ज़रूरत थी जो हम ये बिल लेकर आए हैं। हिंदुस्तान के अंदर लाखों करोड़ों पैरामेडिकल अलाइड हेल्थ केयर सर्विसेज के वर्कर हैं, ज़्यादातर रनिंग हॉस्पिटल में काम करते करते वो एक्सपर्ट बने और वहाँ पे उनको नौकरियाँ मिल गई। अभी तक जो सिस्टम चला है, कुछ राज्यों में अपनी काउंसिल बनी हुई है, कुछ राज्यों के अंदर काउंसिल भी नहीं बनी है। कुछ कोर्सेज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन चलाती है, कुछ स्टेट टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड चलाते हैं, कुछ स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के माध्यम से चलती हैं, कुछ अलग अलग डिग्री डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेस इन सब को लेकर ये आज काम कर रहे हैं पूरे देश में। हालांकि अलाइड हेल्थ केयर सर्विसेज वर्कर की भारी कमी है, जो एक्सपर्ट हैं, जिनके पास डिप्लोमा है, जिनके पास डिग्री है, ऐसे वर्कर की बहुत भारी कमी है। क्योंकि मैं भी एक महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ा रहा हूं, उसके माध्यम से मैंने देखा, मैंने खुद वहां पे काफ़ी कोर्सेज उस समाज के हॉस्पिटल के अंदर शुरू कराए थे। स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के 6 महीने के कोर्सेज थे जो मुझे लगता था कि पर्याप्त नहीं है, उनसे रिक्वेस्ट करके उनको 2 साल का कोर्स बनवाया गया ताकि बच्चों को सीख भी पाएँ और उनको अच्छी नौकरी और अच्छे पैसे उनको हॉस्पिटल में काम करते मिल भी सकें। वर्किंग हॉस्पिटल में मेरा आपसे निवेदन है कि इन कोर्सेज को आप प्राथमिकता दें। वर्किंग हॉस्पिटल में जो एक्सपीरियंस हेल्थ केयर वर्कर को मिलेगा, एक सेपरेट कॉलेज के अंदर हो सकता है उसको जो थ्योरेटिकल नॉलेज तो मिले, परंतु प्रैक्टिकल नॉलेज जो वर्किंग हॉस्पिटल के अंदर मिलेगी। और परंतु वर्किंग हॉस्पिटल में आज की तारीख में जगहों की कमी है, विशेषकर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि उसको लेबोरेटरी का दर्जा देके, जैसे उनकी डायलिसिस का डिपार्टमेंट है या कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है या अलग अलग डिपार्टमेंट जितने भी हैं, उनको लेबोरेटरी मान के अलग से जगह की कंडीशन उनके पास नहीं होनी चाहिए। सिर्फ क्लासरूम की कंडीशन हो कि जितने बच्चे उस क्लासरूम के अंदर बैठाने के लिए, उस कोर्स को रन करने के लिए चाहिए, वो वहाँ पे हो सकें। बाकी वर्किंग हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट को लेबोरेटरी का दर्जा मान के, जैसे टीचिंग हॉस्पिटल्स का आप करते हैं, उसी श्रेणी पे आप प्राइवेट हॉस्पिटलों को मिलें और वहाँ पे इन कोर्सेज को दें ताकि उन बच्चों को कहीं कॉलेजेस के माध्यम 2 मिनट और सर, बड़ा इम्पोर्टेंट इशू और मैं जिंदगी भर ऐसे चीज़ों से जुड़ा रहा हूँ, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा। टाइम खत्म हो गया, लेकिन ब्रीफली आप बोले। नहीं, बस मैं सर ये कहना चाह रहा हूँ कि एक आपने कहा इस बिल के माध्यम से उन प्रोफेशनल्स की रजिस्ट्रेशन होनी जरूरी है। अब ये जो लाखों लोग आज की तारीख में काम कर रहे हैं, उनके पास रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन की डिग्री नहीं है, परंतु उनके पास डिग्री है, सर्टिफिकेट है, अलग अलग एसोसिएशंस जो कोर्स चलाती रही हैं और बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, तो उनके जीवन के ऊपर कोई लंबा इफेक्ट ना आए, इसके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा। इस बात को आप दिमाग पे जरूर रखें। और जैसे सुरेश प्रभु जी ने कहा था, कोई उनकी डिग्निटी कायम रहे, एक ऐसा नामकरण उनका जरूर कर दें, मेडिकल असिस्टेंट के या जो भी आप नाम जैसे भी आप देना चाहें, उन बच्चों को एक ऐसा नाम जरूर मिले ताकि उनकी एक अलग से पहचान बने। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये निवेदन करना चाहूँगा, अब बहुत साल हो गए हैं और कोविड के अंदर एक जो सारे दुनिया को देखने को मिला कि हमारे हेल्थ के बजट को भी माननीय वित्त मंत्री जी से या प्रधानमंत्री से निवेदन करके उस बजट को भी बढ़वा लें ताकि देश के अंदर ऐसी एक्सीलेंस इंस्टीट्यूशन बने और इन बच्चों का भविष्य बढ़िया उसके। धन्यवाद माननीय सुशील जी।